वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने एक नया लैपटॉप खरीदा है। हमारे फैमिली में एक नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की एक एंट्री हुई है। एचपी का लैपटॉप है और मॉडल है पेवेलियन 14। तो हम अभी इसको अनबॉक्स करेंगे। पहले हम देख लेते हैं अराउंड। ये लिखा है एचपी पेवेलियन लैपटॉप 14 DV0054TU और ये पूरा ऑनलाइन मंगाया हुआ है हमने, इसलिए ये इसका AWB नंबर है, ये सब है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे। ओ, काफी हार्ड पैकिंग है, अच्छा है। ये लैपटॉप है और इसमें क्या है, ये चार्जर है, चार्जर दिया हुआ है जो अलग अलग आता है, जो हम देखते हैं। यहाँ से ये कनेक्ट कर देना है और ये चार्जर है और लैपटॉप है। काफी अच्छी तरह से पैकिंग किया हुआ है। यहाँ से दो हैंडल भी दिया हुआ है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। और इसका जो मटेरियल है वो भी अच्छा है। ओ, काफी अच्छी स्टाइल में खुलता है। तो अभी हम इसको साइड में कर देंगे। तो अभी लैपटॉप देखते हैं। काफी अच्छा है और बॉडी भी काफी अच्छी है और वजन में बहुत हल्का है। ये बहुत भारी लगता नहीं है। विंडोज 11 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज का सिंबल है। और क्या लिखा हुआ इसमें, HP पेवेलियन लैपटॉप 14 और i5 इसका प्रोसेसर है और मेड इन चाइना। ये सब तो चाइना में ही बनता है HP। अभी हम ओपन करेंगे लैपटॉप, देखते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड दिया हुआ है, आई थिंक ये स्टाइल के लिए है या फिर LED है, वो पता चलेगा अभी, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा डिजाइन है और इंटेल आयरिस का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है इसमें और i5 प्रोसेसर है। अभी इसको स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे जनरली लैपटॉप में आपने देखा होगा यहाँ पे बटन आता है, लेकिन यहाँ आता है बटन। ये हम प्रेस करेंगे तो हो जाएगा शुरू। ओके, ये चार्जर है फ्रेंड्स और 65 वोल्ट का चार्जर दिया हुआ है, लेकिन इसकी जो इनपुट जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड का जो है प्लग ऐसे ही है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन दिया हुआ है पूरा, आपको भी दिखाई देगा ये है। और इसका जो आउटपुट जो पिन है जो लैपटॉप में डायरेक्ट लगाते हैं, और केबल की साइज भी काफी लंबी है, सो चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर प्लग दूर है तो भी चार्जिंग कर सकते हैं। इसके जो केबल की लेंथ है वो 2.5 मीटर है, काफी लंबा केबल है सिर्फ यहाँ से, और टोटल लेंथ जो है वो आई थिंक 3.2 मीटर जैसी होगी, तो अच्छा है ये।